प्यारे बच्चों नमस्कार। दसवीं कक्षा के चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और यहाँ आज हम शुरुआत करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से। तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। कि देखिए कि जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में से गुजरती है जिसमें या तो धूल हो या अन्य कोई पदार्थ के सूक्ष्म कण, तो जब प्रकाश ऐसे माध्यम में से गुजरता है जिसमें धूल हो या अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण हो, तो प्रकाश क्या होता है कि सभी दिशाओं में इस तरह से बिखर जाता है। ठीक है, सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और ये घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक। और एक आता टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? यह भी इसी से मिलता जुलता है कि जैसे प्रकाश की कोई किरण पुंज जो है वायुमंडल के छोटे कणों जैसे धुआं है, जल की सूक्ष्म बूंदें हैं, धूल के निलंबित कण यानी हवा में लटके हुए कण हैं, ऐसे अणुओं से जब टकराती है तो जो किरण पुंज है उसका मार्ग दिखाई देने लग जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास हम किसी कमरे में हैं और उस कमरे के अंदर धूल उठी हुई है पूरी, और उस कमरे में कहीं एक छोटा सा सुराख है, उस सुराख से बाहर से सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, तो आपको ये प्रकाश का जो रास्ता है आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा अगर इस कमरे में धूल है तो। ठीक, तो ये वास्तव में क्या है? टिंडल प्रभाव ही तो है। ठीक, तो टिंडल प्रभाव में यही कहा गया है कि जब प्रकाश किरण पुंज का मतलब किरणों का एक ग्रुप वायुमंडल के महीन कण, छोटे कण जैसे धुआं है, जल की सूक्ष्म बूंदे हैं, धूल कण है, तो इनमें से जब गुजरता है तो प्रकाश का रास्ता दिखाई देना जो है वो क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो टिंडल प्रभाव का उदाहरण मैंने आपको दे दिया है कि धुएं या धूल से भरे हुए किसी कमरे में अगर छोटे छिद्र में से अगर प्रकाश आता है तो हम वहाँ पर प्रकाश का रास्ता देख सकते हैं, यानी टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई घना जंगल है, वहाँ पर घने जंगल का वितान यानी एक कनोपी सी बनी हुई है, वहाँ से अगर सूर्य का प्रकाश आएगा तो भी हम टिंडल प्रभाव वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जंगल में जो है कुहासा यानी जो क्या कहते हैं जैसे एक किस्म से धुंध टाइप में से जो होता है, वहाँ सूर्य की सूक्ष्म बूंदे होती है और उसकी वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और हमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लग जाता है। ठीक, अब देखिए कि जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है यानी कणों से टकरा करके प्रकाश बिखरता है, तो जो कौन सा कलर यहाँ पर प्रकीर्णित होता है वो यहाँ इस किस साइज के कण हैं, कणों के साइज पर डिपेंड करता है। ठीक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्यता पर डिपेंड करता है या फिर कणों के साइज पर डिपेंड करता है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको तरंग दैर्ध्यता के बारे में बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि तरंगे जो है इस तरह से सुरंग और गृहत बना करके चलती है कि जो ऊपर उठा हुआ भाग उसको सुरंग कहते हैं, नीचे दसा हुआ भाग उसको गृहत कहते हैं। एक सुरंग और एक गृहत मिल करके एक ये जो लंबाई है इसकी तरंग दैर्ध्यता कहलाती है। ठीक, या फिर इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दो लगातार सुरंगों के बीच की दूरी या दो लगातार गृहतों के बीच की दूरी, ये भी क्या होती है? एक तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, एक वेवलेंथ के बराबर होती है। अब देखिए कि अगर छोटे साइज के कण हैं तो वो छोटी जो तरंग दैर्ध्यता का कलर है कि जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, पहले समझा भी दिया था आपको कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो जो अलग अलग रंगों का प्रकाश है उसके हरेक की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, वेवलेंथ अलग अलग होती है। जो नीले रंग का प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्यता सबसे कम होती है और लाल रंग की जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो और
जो छोटे कण होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण जो होते हैं वायुमंडल के, वो नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। ठीक, क्योंकि अगर कण सूक्ष्म है तो वो छोटे तरंग दैर्ध्यता वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे, जबकि बड़े साइज के जो कण हैं वो अधिक तरंग दैर्ध्यता के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, यानी लाल रंग वगैरह को प्रकीर्णित करेंगे। ठीक, और अगर मान लीजिए प्रकीर्णित करने वाले कणों का साइज काफ़ी बड़ा हो, जैसे वाटर ड्रॉप्स वगैरह हैं, तो प्रकीर्णित प्रकाश जो हो श्वेत भी हो सकता है, क्योंकि उसमें सारे कलर एक जैसे प्रकीर्णित हो जाते हैं, सेम अमाउंट में प्रकीर्णित हो जाते हैं, तो प्रकाश आपको कैसा दिखाई देगा, श्वेत प्रकाश दिखाई देगा। अब एक रेले का नियम है, रेले का नियम ये कहता है कि जो प्रकीर्णन है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्यता के चौथी पावर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर तरंग दैर्ध्यता कम होगी तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, कहने का मतलब ये है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्यता नीले रंग के प्रकाश की बजाय 1.8 गुणा होती है। ठीक है, यानी 2 गुणा से लगभग थोड़ी सी कम होती है, तो यहाँ तरंग दैर्ध्यता बढ़ेगी तो प्रकीर्णन कम हो जाएगा, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है रेले के नियम के अनुसार, और नीले रंग का के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो अब ये बेसिक समझने के बाद अब देखिए हम कुछ एक कंसेप्ट यानी कुछ एक क्वेश्चन जो हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब रेले के नियम के अनुसार अगर हम समझें तो नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्यता जो है, या लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्यता नीले रंग के प्रकाश की बजाय जो है 1.8 गुणा होता है, नीले की कम होती है, सीधी सी बात है। अगर नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्यता कम है तो रेले के नियम के अनुसार क्या है, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। और ये मान लीजिए आसमान है और यहाँ पे सारा नीला रंग बिखरा हुआ है, नीले रंग का प्रकीर्णन हुआ है, तो आपको कैसा दिखाई देगा, नेचुरल सी बात है नीला ही दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में से गुजरता है तो जो सूक्ष्म कण है वायुमंडल के अंदर वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित कर देते हैं, और हमें आकाश का रंग क्या है, नीला दिखाई देता है। ओके, अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले अंतरिक्ष यात्री जो हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अब हम इस बात का जवाब देंगे कि काला क्यों दिखाई देता है। अब देखिए कि अगर अधिक ऊंचाई पर है, अधिक ऊंचाई पर यानी वायुमंडल से बाहर है, तो या फिर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर जहाँ पर वायुमंडल में कणों की डेंसिटी बहुत ही कम है, घनत्व बहुत ही कम है, अगर ऐसी जगह पर अंतरिक्ष यात्री है तो देखिए जब वहाँ पर वायुमंडल में कण ही नहीं है या बहुत ही कम है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं। जब कोई प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है होता तो जब कोई कलर ही नहीं है तो ब्लैक ही दिखाई देगा। ठीक है, तो क्योंकि कण नहीं है तो प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो कलर कहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में वायु बहुत ही विरल होती है जिसमें धूल कण या जल कणों का अभाव होता है, इसी कारण जब प्रकाश वायुमंडल में से गुजरता तो प्रकीर्णित नहीं होता, जिस कारण अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि खतरे का संकेत जो लाल रंग का क्यों होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम नीले रंग का संकेत बना दें, और जैसे मान लीजिए यहाँ ट्रेन आ रही है, ट्रेन को हमें खतरे का संकेत देना है, और नीले रंग का कर दे, नीले रंग का प्रकाश मान लीजिए धुंध अगर आई हुई है तो बीच में नीले रंग का तो स्कैटर ही हो जाएगा, स्कैटर में इसकी स्कैटर कहते हैं इसको इंग्लिश में प्रकीर्णन को, कि सारा प्रकाश प्रकीर्णित तो हो गया नीले रंग का, तो आगे तक पहुँचेगा नहीं सिग्नल, तो इसलिए लाल रंग का बनाते हैं कि लाल रंग का प्रकाश जो सबसे कम प्रकीर्णित होता है, तो अगर बीच में धुंध वगैरह भी हो तो भी सिग्नल आगे तक पहुँच जाता है, दूर से देखने पर भी दिखाई दे जाएगा, इसलिए खतरे का जो संकेत या सिग्नल जो है वो क्या करते हैं, लाल रंग का करते हैं। तो पहले तो हम रेले के नियम का हवाला दे देंगे यहाँ पर
कि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम प्रकीर्णन होने की वजह से लाल रंग का जो कोरे धोए में जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ये दूर से देखने पर भी हमें दिखाई देने लग जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बादल फिर सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं। बादल आपको पता है पानी की बूंदों से मिलकर बने होते हैं और इनका आकार बड़ा होता है, ठीक। दृश्य किरणों की तरंग दैर्ध्य सीमा से अधिक होता है, इसलिए सभी जो कण इससे इसलिए श्वेत प्रकाश जब भी इससे टकराता है तो सभी दिशाओं में परिवर्तित या प्रकीर्णित हो जाता है और सारे कलर समान रूप से प्रकीर्णित करते हैं। सभी रंगों का समान प्रकीर्णन होता है, इसलिए बादल जो हमें कैसे दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्ताभ यानी रक्त जैसा रंग यानी लाल दिखाई क्यों देता है। वो इसलिए दिखाई देता है कि जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या है कि सूर्य की किरणें वायुमंडल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसकी वजह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मान लीजिए बाकी किसी भी दूरी से जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो दूरी होती है वायुमंडल में जो प्रकाश को तय करनी होती है वो दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि नीला रंग और बाकी सारे कलर्स इतने स्कैटर हो जाते हैं कि सिर्फ इतने प्रकीर्णित हो जाते हैं कि हमारी आँखों तक ही नहीं पहुँच पाते हैं। हमारी आँखों तक सिर्फ लाल रंग ही पहुँच पाता है, इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, बाकी आप इसमें नोट्स में से पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।